नमस्कार, जय जगन्नाथ। माय नेम इज गीता, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राई कफ के लिए होम रेमेडीज। होम रेमेडीज क्या है जो ड्राई कफ को बंद कर देगा। छोटे से लेकर बड़े को किसी को भी ड्राई कफ हो जाता है, बहुत परेशान करता है। दिन से लेकर रात तक उन लोग खांसते रहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होता है, बहुत सारा मतलब यहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ड्राई कफ के लिए होम रेमेडीज जो है बहुत पॉपुलर रेमेडीज है। ये 100% इफेक्टिव और काम का चीज़ है। तो चलिए इस रेमेडीज को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ को जरूरत है पहले देख लेते हैं। पहले इसको बनाने के लिए हमको अदरक चाहिए। सेकेंड आइटम जो है वो काली मिर्ची या ब्लैक पेपर। थर्ड जो चाहिए होता है हनी। ये तीन चीज़ से हम लोग बनाएंगे इसका रेमेडीज फॉर ड्राई कफ। तो पहले अदरक का छिलका निकाल के इसको थोड़ा छोटा छोटा कट करके धो लेंगे। फिर इसका साथ काली मिर्च को मिक्स करके थोड़ा पीस लेते हैं। पीस लेने के बाद ये दोनों चीज़ का थोड़ा जूस जैसा निकलेगा, एक चम्मच जूस पानी जैसा आ जाएगा। बाद में इसमें एक चम्मच हनी मिला देना। ये तीन आइटम को अच्छे से ऐसा मिक्स करके इसको जिसको भी प्रॉब्लम है उसको पिला दीजिए। तो ये एक दिन में दो बार ऐसे ही कीजिए, दो दिन में ही आपका जो भी ड्राई कफ है बंद हो जाएगा, परमानेंटली बंद हो जाएगा, दोबारा लौटेगा ही नहीं। फिर भी इस चीज़ ये चीज़ होम रेमेडीज करने से भी आपको क्या करना है ना, ज़्यादा गर्म पानी उबाल के पीना चाहिए, कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा मैक्सिमम टाइम में आपको पानी बहुत सारे ढेर सारे पानी पीना चाहिए। और इस रेमेडी को भी आप यूज करना चाहिए दिन में दो बार। तो ऐसे ही करते हुए आपको दो ही दिन में आपका ड्राई कप बंद हो जाएगा, कितना भी पुराना ड्राई कप ना हो ये सब बंद कर देगा। तो ये था आज का रेमेडीज। अगर इस रेमेडी आप लोगों को अच्छा लगा इस वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।